डिवी स्लैब टारगेट 22 सितंबर। सर देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट रखा है, चार्ट को स्टडी करते हैं। शेयर्स देखिए पहले अपट्रेंड में था और देखिए ये 17 सितंबर को मार्केट के में गिरने की वजह से देखिए नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर देखिए 20 सितंबर को अच्छी खासी गिरावट हो गई। आज की डेट में मार्केट का सपोर्ट मिला, देखिए ऊपर के लेवल ये टच किया है, कौन सा लेवल 5173 का। तो मेरा मानना है दोस्तों कल की डेट में थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट मिलेगा तो ये ऊपर का लेवल दिखाएगा, 5221 पहला टारगेट होना चाहिए और ये लेवल सस्टेन कर गया तो इसमें जो है आपको एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, तो ये लेवल से आप ध्यान रखिएगा। दूसरा शेयर दोस्तों आयशर मोटर। सो देखिए आयशर मोटर मैंने चार्ट लगा रखा है, टारगेट हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के लिए। तो सेम चीज है दोस्तों, देखिए आयशर मोटर में चार्ट जो है एक अपट्रेंड का चार्ट बना हुआ था पहले 17 सितंबर तक, बट यहाँ पे देखिए 17 सितंबर को सेंसेक्स में गिरावट हुई, शेयर नीचे आ गया, 20 सितंबर को और गिरावट हुई तो इसने लो बना दिया 2803 का। आज की डेट में देखिए मार्केट में सपोर्ट मिला अच्छा खासा, तो ये ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है 2842 पे। तो मेरा मानना है दोस्तों कल की डेट में थोड़ा सा मार्केट में सपोर्ट मिलता है तो ये ऊपर के लेवल दिखाएगा, पहला टारगेट 2903 क्रॉस किया तो आपको 2927, और अगर ये लेवल सस्टेन कर गया तो इसमें एक अच्छी रैली आने की संभावना है, तो ये लेवल सब ध्यान रखिएगा।